कैमूर के अवरा पहाड़ी में स्थित मां मुंडेश्वरी के दरबार में समाज सेवी ने दर्शन किए हैं। आपको बता दें कि अवरा पहाड़ी भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत अवरा पहाड़ी पर अवस्थित मां मुंडेश्वरी धाम के दरबार में गुड़गांव के प्रसिद्ध समाज सेवी किरण प्रभाकर ने मां मुंडेश्वरी मंदिर में माता रानी के दर्शन किए और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की, जहाँ पर 51 बकरे का अहिंसक बलि चढ़ाई गई और उनके द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहाँ उनके द्वारा हजारों लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहाँ आसपास के 100 गांवों में स्थापित मंदिरों का भ्रमण करूंगी और मंदिरों को समृद्ध बनाने का काम करूंगी, जहाँ मंदिर के प्रांगण में वृक्षारोपण, रंग रोगन आदि का कार्य होगा, ताकि जब गांव का मंदिर सही अवस्था में रहेगा तभी गाँव की वास्तु सही हो सकेगी। जिनका जिधर मन बसता हो, जिसमें जो यकीन विश्वास रखते हैं, मैं उसमें वो मैंने न्यूज़ सुना भी नहीं और मैं उधर ध्यान देती भी नहीं। लोग क्या क्वेश्चन करते हैं, किस पे उंगली उठाते हैं, बस मुझे बागेश्वर बाबा के लिए मैं बोलूँगी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अभी जो और अच्छा लगा कि सब लोग उनके साथ। अभी आपने जो बोला किसानों की, सरकार ने तरह तरह की योजनाएं चला रखी है, मगर फिर भी वो धरातल पर सफल नहीं हो पा रहा है। और आप किसानों के प्रति, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपने किसानों के प्रति देश का अगर पैदावार बढ़ाना है, देश को खुशहाल करना है, तो किसानों पे तो ध्यान देना पड़ेगा। किसानों के साथ और मैं तो किसान की बेटी हूँ, तो आप किसानों के साथ में कैसे जुड़िएगा, कैसे समझाइएगा उन किसानों को? अभी मैंने समझाना शुरू कर दिया है। असल में ना, जिस कार्यक्रम में मैं लगी हुई हूँ, तो महादेव की कृपा से अपने अपने क्षेत्र के कुछ दिग्गज लोग हैं मेरे साथ। कोई पर्यावरण एक्सपर्ट है, कोई ये उर्वरा शक्ति वापिस कैसे लाए उसमें एक्सपर्ट है, तो सब कुछ सहयोग कर रहे हैं और सब मेरे साथ जा जाकर किसानों को बता पा रहे हैं हम लोग। और मैं इतना खुश हूँ कि मतलब मैंने नहीं सोचा था कि किसान इस तरह से पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे। सब खुश है, सब समझ रहे हैं, बस वही थोड़ा सा चैलेंज है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक युवक पैदल यात्रा पर निकला है। युवक का लक्ष्य भारत के 12 शिव ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है। युवक अब तक 8 राज्यों को पार कर केदारनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर चुका है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रहने वाले सचिन गुज्जर का सपना है कि देश के 12 प्रमुख शिव ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है। युवक का कहना है कि लोग पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। लोग अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काटकर खेत और मकान बना रहे हैं, तो वहीं जंगली जीव जंतु को भी अपना शिकार बना रहे हैं। जब तक जल जीव पेड़ को हम नहीं बचाएंगे, हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। जी, मैं टोंक राजस्थान से 26 मार्च को निकला हूं और मैं पैदल यात्रा कर रहा हूं 12 ज्योतिर्लिंग। इसमें मेरा उद्देश्य है सेव एनिमल, ग्रो ट्री और सेव अर्थ, मतलब जमीन को बचाइए, जानवरों को भी बचाइए और पेड़ लगाइए, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो सके। अभी जो कोरोना बीता निकला है उसमें काफ़ी जाने गई हैं, तो प्रकृति को नुकसान मत पहुँचाइए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करिए, ये सब मैं लोगों को बताते हुए। तो अभी तक आपने क्या कितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया? जो मैंने 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं, श्री केदारनाथ बाबा और काशी विश्वनाथ। कई राज्य का भ्रमण आपने किया है अभी तक? करीबन अभी 8वें राज्य में आज एंटर कर गया हूँ, बिहार। जी, मैं टोंक राजस्थान से 26 मार्च को निकला हूँ और मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग। इसमें मेरा उद्देश्य है सेव एनिमल, ग्रो ट्री